अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब अहमद नासिर। लास्ट हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलें स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया गया कि लॉग 2 हमारे पास ये है, लॉग 3 की वैल्यू ये है और लॉग 5 की वैल्यू ये है। इसको इस तरह सॉल्व करें कि उसके अंदर लॉग 2 और लॉग 3 लॉग 5 की वैल्यू आए तो पुट कर सकते हैं। तो हमें पता है ये फर्स्ट पार्ट इसका लॉग 32 का हमें पता है, जब हम इसको फैक्टराइज किया जाता है तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो 2 के साथ उसको फैक्टराइज करते हैं। 2 1 2 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो हमारे पास जो 2 है ये 5 टाइम आ गया, इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5। फिर हमें पता है कि लॉग की एक प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग अप्लाई हो रहा और पावर साथ आ रही तो पावर शुरू में लिख लेते हैं। तो पावर शुरू में आ गई, हमारे पास आ गया लॉग 2, 5 इंटू लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 0.3010। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर के साथ। तो कैलकुलेटर पे आपने सिंपल क्या लिखना है, 5 × 0.3010 इक्वल कर लेना है। तो आगे पास इसका आंसर आ जाता है 1.505। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है इसका, हमारे पास है जी लॉग 24। तो लॉग 24 को आप ऐसे ही फैक्टराइज कर लेते हैं जैसे हमने 32 को किया। तो हमारे पास लॉग 34 का अगर फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 1 2 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो हमारे पास आ गया 2 जो है वो 3 टाइम आया और ये 1 टाइम आया 3। तो 2 का हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3 × 3। तो अब इस पर लॉग अप्लाई कर सकते हैं। हमें पता है कि जब लॉग अप्लाई और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो उसको हम एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉग 2 रेज टू पावर 3 + log 3। तो लॉग अप्लाई हो रहा है, पावर है, इसको शुरू में कर लेते हैं log 2 + log 3। तो इस नेक्स्ट हमारे पास है जी 3 log 2 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है वो है 0.3010 प्लस लॉग 3 की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास है 0.4771। इसमें कहता है इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इनको ऐड कर दें। तो सिंपल हमने कैलकुलेटर पर क्या करना है, 3 × 0.3010 ब्रैकेट क्लोज करनी है, प्लस लगाना है और 0.4771 इसको इक्वल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.3801। तो ये ही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है जी, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कहता है जी लॉग 3 and 1/3। तो लॉग ये इसके रूट आपको पता है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे तो लॉग अप्लाई कर सकते हैं ना। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1/2 होगी, इसके रूट है तो ये हमारे पास 1/2 आ जाता है। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है जिसे आप उर्दू में सैयाँ कहते हैं, तोड़नी होती सैयाँ। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम सिंपलीफाई करते हैं। इसको सिंपलीफाई करने का तरीका है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 और इसको 1 में ऐड कर दिया 10/3। अब लॉग इस पर अप्लाई हो रहा है तो ये पावर है, इसको शुरू में लिख लेते हैं log × 10/3, ठीक हो गया 1/2। अब लॉग इस पर अप्लाई हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं, डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम इसको सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 10 − log 3। मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो 1/2 log 10 है, तो 10 को हम सिंपलीफाई करें तो मैं लिख सकते हैं 2 × 5, और कोई चांस ही नहीं है, ये आ गया, ठीक हो गया। अब इसको मजीद खूबसूरत बनाते हुए सॉल्व करते हैं जी। 1/2 फर्स्ट हमारे पास है लॉग, इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं log 2 + log 5 और log 3। log 2 हमारे पास है 0.3010,
लॉग फाइव में मेरे पास है 0.6990, माइनस लॉग थ्री मेरे पास है जी 0.4771। सिंपल, हमने इसमें वैल्यू पुट की और कुछ भी नहीं किया। अब इनको ऐड कर लेते हैं, जो आंसर है टू पर उसको सब डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इनको ऐड करते हैं जी, इनको ऐड करें तो हमारे पास 0.3010 प्लस 0.6990 माइनस 0.4771, इसको इक्वल प्रेस किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है इसका 0.5229। तो अब ये टू इस पर डिवाइड हो रहा है तो इसको टू पे डिवाइड कर दो सिंपल इधर ही, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.261। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है। बड़ा ही ईजी काम है, बड़ा ही सिंपल काम है। हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है लॉग 8/3। तो लॉग अप्लाई हो रहा है तो आपको पता है जब डिवीजन आ जाती है तो उसको हम सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इधर सिंपल लिखेंगे लॉग 8 × log 3। तो लॉग 8 से मुराद होती है कि आपने इसको 2 × 2 × 2 करें तो 8 बन जाता है, तो इसको हम 2 जो 3 टाइम आया इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये पावर जो है ये शुरू में आ जाएगी तो हमारे पास लॉग 2 माइनस लॉग 3। तो हम जानते हैं लॉग 2 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 0.3010 माइनस लॉग 3 हमारे पास है 0.4771। तो ये हमारे पास देखें ये सिनेरियो बन गया, क्या करना है सेम सिनेरियो कैलकुलेटर पर छाप देना है आपने। तो 3 × 0.30110 × माइनस 0.4771 इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका आ जाता है 0.4259। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का 5 पार्ट, ये लास्ट पार्ट, इसमें हमने क्या करना है, ये लॉग 30 हमारे पास क्वेश्चन है। ये बड़ा ही सिंपल काम है, ये लॉग 30 को हम सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। 2 पे 0 है ना, इवन है तो इवन करेंगे हम। 2 पे डिवाइड करें तो 15, फिर 3 पे करें तो 5 और 5 × 5। तो ये हमारे पास 1 टाइम आए हैं 3। इसको हम इस तरह से 30 को ब्रेक किया है हमने, जैसे मर्जी कर लें ब्रेक, ये आप पे डिपेंड करता है, आपका अपना रूल है, जैसे मर्जी ब्रेक करें, मकसद है ब्रेक करना। इनको मल्टीप्लाई करें यहाँ से 30 आता है। तो लॉग अप्लाई हो रहा है दरमियान में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो लॉग की प्रॉपर्टी के जब मल्टीप्लीकेशन का साइन नज़र आ रहा हो तो आपने इसको एडिशन में कन्वर्ट कर देना है सिंपल इस तरह से। लॉग 2 हमारे पास सिंपल वैल्यू इसकी पुट करें 3010 और लॉग 3 हमारे पास 0.4771 और लॉग हमारे पास 5 जो है वो हमारे पास 0.6990। सिंपल इनको ऐड करना है, कुछ नहीं करना। तो हमारे पास 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990 इक्वल कर देते हैं ये, तो हमारे पास आ जाता है 1.4771। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। यहाँ तक हमारी जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.3 वो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने बड़े अच्छे से अपनी तरफ से बड़े डिटेल के साथ क्वेश्चन करवाए हैं, फिर भी अगर कोई मसला हो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में, या इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, या इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज है, या मैंने इससे जो लास्ट लेक्चर, जो लास्ट टू लास्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने लॉज ऑफ लॉगरिथम आपको करवाए, उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आया करें, ज़रूर आया करें। क्वेश्चन करने से ज़्यादा आता है, जितने क्वेश्चन आप ज़्यादा करेंगे उतना सीखने को ज़्यादा मिलेगा और मेरे भी इसमें मैं भी जो है इसमें अफाका हासिल कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन करने से ज़्यादा आता है, नॉलेज गेन करते हैं आप। अब यहाँ तक हमारी जो एक्सरसाइज 3.3 कम्प्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।